कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए भूषण साइंस प्लस को और करें अपने फार्मा एंड नर्सिंग का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल भूषण साइंस पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डी फार्मेसी एग्जिट एग्जाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट MCQ। आज हम लोग लेकर आए हैं सोशल फार्मेसी सब्जेक्ट से चैप्टर नंबर 1 से MCQ, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल फार्मेसी। डी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का ये सब्जेक्ट है, तो ये MCQ चुनिंदा MCQ है जिसके आपके एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको ओपन करना है टेलीग्राम को। टेलीग्राम को ओपन करने के बाद ऊपर में यहाँ पे सर्च का बटन आएगा, वहाँ पे सर्च के बटन पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे सर्च बार में टाइप करना है भूषण साइंस एग्जिट एग्ज़ाम। जैसे ही आप भूषण साइंस एग्जिट एग्ज़ाम को टाइप करेंगे, आपके सामने ग्रुप की लिस्ट खुल जाएगी और यहाँ पर देखिए नीचे में आपको ग्रुप का नाम दिख रहा है भूषण साइंस एग्जिट एग्ज़ाम 2022 डी फार्मेसी। उस ग्रुप को आपको सिलेक्ट कर लेना है और सिलेक्ट करने के बाद आपको ऐसे ज्वाइन का बटन दिखेगा। ज्वाइन के बटन पर क्लिक करके आपको ज्वाइन हो जाना है। अगर आप ऐसा नहीं करना चाह रहे तो डायरेक्टली हमारे इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डायरेक्टली हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर हम लोग फ्री नोट्स, डेली MCQ प्रैक्टिस, फ्री ऑनलाइन क्लासेस, एग्जिट एग्जाम टिप्स एंड ट्रिक्स, ये सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। और अभी डाउनलोड कीजिएगा हमारी भूषण साइंस प्लस की ऐप को, जिसमें कि हम लोग बहुत जल्द एग्जिट एग्ज़ाम के लिए बहुत सारा कंटेंट लेके आने वाले हैं। तो बिल्कुल आप ये मौका ना चूकिएगा, क्योंकि भूषण साइंस हमेशा आप लोगों को एक क्वालिटी स्टडी प्रोवाइड करते आया है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले EOQ स्टैंड्स फॉर, EOQ का फुल फॉर्म पूछ रहा है यहाँ पर, इकोनॉमिक ओपन क्वालिटी, सेकेंड ऑप्शन इक्विपमेंट ऑर्डर क्वान्टिटी, थर्ड ऑप्शन इसेंशियल ऑर्डर क्वान्टिटी और फोर्थ ऑप्शन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वान्टिटी। तो इसका फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ओपन क्वांटिटी। सेकंड क्वेश्चन, इन ABC एनालिसिस A आइटम्स आर, फर्स्ट ऑप्शन 10% क्वांटिटी ऑफ ड्रग विथ लो कॉस्ट एंड 70% कंजम्पशन, सेकंड ऑप्शन 10% क्वांटिटी ऑफ ड्रग विथ हाई कॉस्ट 70% कंजम्पशन, 70% क्वांटिटी ऑफ ड्रग विथ हाई कॉस्ट एंड 10% कंजम्पशन, या फिर 10% क्वांटिटी ऑफ ड्रग विथ नाइदर हाई कॉस्ट नॉर चीप और 10% कंजम्पशन। तो इन चारों में से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो करेक्ट आंसर है आपका B। ABC एनालिसिस जो है वो आप लोगों को इन्वेंट्री वैल्यू को एनालाइज करने के लिए यूज होता है। जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे तब मैं आपको ये कंसेप्ट समझाऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, फुल फॉर्म ऑफ VED एनालिसिस। पहला ऑप्शन वाइटल एफिशिएंट डिजायरेबल, सेकंड ऑप्शन वाइटल इसेंशियल डिजायरेबल, थर्ड ऑप्शन वायबल इसेंशियल डिजायरेबल और फोर्थ ऑप्शन वाइटल एफिशिएंट डिजायरेबल। तो यहां पर इसका फुल फॉर्म है वाइटल इसेंशियल एंड डिजायरेबल। तो ये VED एनालिसिस है। फोर्थ क्वेश्चन, फॉलोइंग आर द इसेंशियल नार्कोटिक ड्रग्स एक्सेप्ट कोडीन, डाईहाइड्रोकोडीनोन, फेंटानिल और क्लोबेजम। तो यहां पर करेक्ट आंसर है क्लोबेजम। क्लोबेजम जो है ये नार्कोटिक ड्रग नहीं है। बाकी कोडीन, डाईहाइड्रोकोडीनोन या फेंटानिल ये सब जो है नार्कोटिक ड्रग है, मतलब ये हैबिचुअल फॉर्मिंग ड्रग है। देन उसके बाद सिलेक्ट द करेक्ट रिजर्व्ड एंटीबायोटिक। रिजर्व एंटीबायोटिक इनमें से कौन सा है? सेफिक्सिम, टाइजेसाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन, एम्फोटेरिसिन। तो करेक्ट आंसर है टाइजेसाइक्लिन। ये एक रिजर्व्ड एंटीबायोटिक के रूप में यूज होता है, मतलब जब कोई एंटीबायोटिक यूज नहीं होता है, काम नहीं करता है, तब हम लोग टाइजेसाइक्लिन के ऊपर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स, नंबर ऑफ कॉपीज ऑफ परचेस ऑर्डर आर प्रिपेयर्ड 6, 9, 7 and 8। करेक्ट आंसर है इसका 7 नंबर ऑफ कॉपीज किसी भी परचेस ऑर्डर की बनानी होती है। करेक्ट। देन उसके बाद कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर इज -5 to 2 डिग्री सेल्सियस, 20 to 8 डिग्री सेल्सियस, 8 डिग्री सेल्सियस to 25 डिग्री सेल्सियस एंड -25 to -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका करेक्ट आंसर है बी। 20 to 8 डिग्री सेल्सियस को हम लोग क्या बोलते हैं? कोल्ड स्टोरेज टेम्परेचर। मतलब किसी भी मेडिसिन पे अगर लिखा है कि कोल्ड स्टोरेज में इसको स्टोर करना चाहिए तो आपको उस मेडिसिन को 20 से लेकर 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे स्टोर करना होता है। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन स्टोर इन फ्रीजर, कोल्ड टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर एंड रूम टेम्परेचर। इसका करेक्ट आंसर है कोल्ड टेम्परेचर। तो कोल्ड टेम्परेचर अभी मैंने आपको बताया कि 20 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में जो है इसको स्टोर करना होता है, तो विटामिन भी आपका इसी टेम्परेचर रेंज में स्टोर करते हैं। ILR क्या है? करेक्ट, तो इंटीग्रेटेड लाइट रेफ्रिजरेटर, इंटेंसिव लाइन रेफ्रिजरेटर, आइस लाइट रेफ्रिजरेटर एंड आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। फुल फॉर्म इसका पूछ रहा है तो ये है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर्स। फॉलोइंग विच डिस्पोजल मेथड यूज्ड फॉर साइटोटॉक्सिक ड्रग? करेक्ट, साइटोटॉक्सिक ड्रग के लिए कौन सी डिस्पोजल मेथड जो है वो यूज की जाती है? सबसे पहला लो एंड मीडियम टेम्परेचर इंसिनरेशन, सेकेंड हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन, थर्ड डिस्पोजल टू सीवर्स एंड वाटर कोर्सेस और फोर्थ है डायरेक्टली टू लैंडफिल। करेक्ट आंसर है हाई टेम्परेचर इंसिनरेशन। मतलब इसको जो है बहुत हाई टेम्परेचर पर जो है जला के पूरा राख कर दिया जाता है। तो इंसिनरेटर में जो प्रोसेस होती है उसको अपन बोलते हैं इंसिनरेशन, और इंसिनरेटर मतलब होता है भट्टी। जैसे आपने देखा होगा ना कि तंदूरी रोटी वगैरह जिसमें बनती है वो कहलाता है भट्टी और उसको कहते हैं इंसिनरेटर। तो यहाँ पर हमारे आज के क्वेश्चंस खत्म हुए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।